ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजा बनने के लिए बाबा ने और कोई फार्मूला नहीं बताया, स्वराज्य अधिकारी बनो। एक एक इंद्रियों पर बाबा के श्रीमद प्रमाण चलाओ। जैसे अभी भी बाबा की मुरली चली, जस्ट बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। क्या स्वराज्य अधिकारी बनो? क्या मेरा एक आत्मा का शासन हर इंद्रियों पर है? एक धर्म, धर्म मतलब धारणा, धर्म में कुछ गड़बड़ तो नहीं करती? एक कुल, एक मत, मन कुछ और करता है, बुद्धि कुछ और कर रहे हैं, एक मत नहीं है तो सत्युग कैसे, सत्युग में कैसे जाएंगे? भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे पता नहीं, कहानी। भारत में अंग्रेज क्यों आए? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और करते करते दिल्ली को पराठे किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है और एक चीज राजधानी का है, भ्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। और इस शरीर रूपी देश में कई नवाब है, कौन से? कान, मुख, आंखें, अपना अपना शासन है, कोई किसी का नहीं मानता। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं, कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ की, आंखों के साथ की, मन के साथ की, बुद्धि के साथ की और दिल्ली के पराठे। और आज हमारा शरीर में देश क्या है? गुलाम है। किसके? माया के गुलाम है। तो हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं, इस माया रूपी अंग्रेज लोगों को शरीर से भगाना। अगर संगम युग में जितना लंबा समय तक आप इंद्रियों के अधीन रहेंगे, जितना लंबा समय तक इंद्रियों के अधीन रहेंगे, कोई भी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने का आधार है इस शरीर को जल्दी से जल्दी माया के गुलामी से स्वतंत्र बनाना। समझो संगम युग के आपको 20 साल मिले ज्ञान में चलने के लिए, 20 साल के बाद दुनिया में परिवर्तन हो गया, विनाश हो गया। लेकिन 20 साल में आप 10 साल तक कर्म इंद्र के अधीन होकर के रहे, फिर 10 साल के बाद कोई ऐसी बुली सुनी, थोड़ा कुछ परिवर्तन आया, इंद्रियों पर शासन किया, तो सत्ययुग में आप राजा नहीं बनेंगे। सत्ययुग रहता भी राजा कब बनेंगे? द्वापर और कलयुग में, क्योंकि संगम युग का आपने 10 साल वेस्ट किया था, इतना उसका हिसाब है। एक एक जन्म, एक एक दिन हमें एक एक जन्म की प्राप्ति कराता है। इसलिए ऐसा नहीं कहो, समझो आपको संगम युग के 20 साल मिले थे, 20 साल में से 10 साल आपने बहुत तीव्र पुरुषार्थ किया, फिर 10 साल के बाद कोई ऐसी माया आई, आप इंद्रियों के अधीन हो गए, गलत काम करना शुरू किया, तो सत्ययुग त्रेता के राजा बनेंगे, द्वापर कलयुग के दास दासी बनेंगे, क्योंकि संगम युग का कुछ समय आपने वेस्ट करवाया था। एक एक दिन का ध्यान रखना है। तो भारत में अंग्रेज आए थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया?
जगह जगह पर सभा लगाई, जलियांवाला बाग, कई नारे बनाए, वंदे मातरम, नमक का सत्याग्रह बनाया, अखबार निकाले और भारत के नेताओं ने भारत की जनता को जागृत किया। जब जनता जागृत हो गई, सभी ने नारा लगाया, अंग्रेजों को भी वो भी साइमन को भी भारत छोड़ो, तब अंग्रेजों क्या किए, यहां से चले गए। इसी तरह हमें भी अपने शरीर से माया को भगाने के लिए क्या करना है, रोज कर्मेंद्र का दरबार लगा दो। जब कर्मेंद्र का दरबार लगाएंगे और कर्मेंद्र को माया के विपरीत में भड़काएंगे, तब माया निकल जाएगी। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया हो गया, कान कहता हो क्या हुआ, इधर से आ जाओ। आप कितना भी साल ज्ञान में चलेंगे, माया जीत नहीं बन सकेंगे। इसलिए माया जीत बनने आ रहे हैं, हर इंद्रिया आत्मा के प्रति जागृत रहे, रिस्पेक्टेड रहे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला अगर कोई जवान कोई आतंकवादी से मिला है, वो आतंकवादी कहता है ये 2000 की नोटा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अगर वो बॉर्डर पर रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड वो कहता है अरे 2000 की नोट, कितना भी साल गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। अगर वो पैसा लेकर के उसको आतंकवादी को भेजेगा अंदर, तो कितना घाटा हो जाएगा। इसीलिए उस सिक्योरिटी गार्ड को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है, कान, आंखें, मन, बुद्धि, ये सारी इंद्रियां किसी लिए, आत्मा की रक्षा करने के लिए। लेकिन अब ये रक्षक ही भक्षक बने हैं। कोई परचिंतन सुनाता है, कान क्या कहता है और क्या हुआ, जबकि ये सुनने के बाद आत्मा का घाटा हो रहे हैं, तो भी आत्मा कान क्या करता है उसको सुन रहे हैं, मतलब वो रक्षक नहीं भक्षक बना है। इसीलिए रोज इसका दरबार लगा करके कौन सी कर्मेंद्रिया धोखा देते वो चेक करो, और हर इंद्रियों को अपने शासन प्रमाण चलाओ। यह है पुरुषार्थ। राजा बनने के लिए और कोई पुरुषार्थ नहीं है, नहीं तो जैसे कहते ना आंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है, आंधे को लग रहा है मैंने एक बोरी पीसा है, लेकिन उसको क्या पता कि कुत्ते ने सारा खा लिया। इसी तरह आत्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां क्या कर रहे हैं, माया के अधीन होकर के गंवा रहे हैं। हमारा कुछ भी जमा नहीं होगा, इसलिए जमा करने के लिए एक एक इंद्रियों पर शासन करो।